बिसम राहीम स्टूडेंट अक्सर हमारे पास टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के क्वेश्चन आ जाते हैं विद इंटरसेक्शन और आपको क्वेश्चन में, में मेंशन होता है कि इंटरसेक्शन का आपको वर्ड गिवन होता है कि आपके पास जो टू आप वैल्यूज़ ले रहे हो उनमें इंटरसेक्शन होगा तो उसका जनरल प्रोसीजर्स क्या है अक्सर आपसे पूछ ले जिस तरह हम कहते हैं ना कि द स्टूडेंट्स एंड सब्जेक्ट डू नॉट इंटरसेक्ट एक एग्जाम्पल मैं करवाऊंगी जिसमें वो कह रहे हैं खुद प्रॉपर पूछ रहे हैं कि हमारे पास क्या है द स्टूडेंट्स आर इक्वल एबिलिटी एंड द स्टूडेंट्स एंड सब्जेक्ट्स आर डू नॉट इंटरसेक्ट intersect, जब इंटरसेक्शन का वर्ड यूज हो जाता है टू एनालिसिस वेरिएंस में तो उसका जनरल प्रोसीजर्स क्या है वो मैं आपको बता देती हूं फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बताते होते हैं हाइपोथेसिस बनाते हैं ठीक है थीके? अब स्टूडेंट जब ऐसा क्वेश्चन आपको गिवन गिवन होता है ना तो उसमें आपको दो या तीन चीजें जो हैं सेपरेटली मेंशन कर दी जाती हैं जब इंटरसेक्शन का वर्ड है अब टू या थ्री वैल्यूज क्या आ जाती हैं फर्स्ट जिस तरह आपसे पूछ लिया जाए द सब्जेक्ट्स आर इक्वल डिफिकल्टी है हमसे जिस तरह हाइपोथेसिस में पूछ लिया जाता है कि सब्जेक्ट्स सब्जेक्ट्स हैव इक्वल डिफिकल्टी अब देखिए सब्जेक्ट एंड स्टूडेंट्स का रिलेशन बना रहे हैं। पहला वो पूछ रहे हैं कि सब्जेक्ट हैव इक्वल डिफिकल्टी फिर वो पूछ रहे हैं कि स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आर ऑफ़ इक्वल अबिलिटी कि जो तमाम स्टूडेंट्स हैं उनकी जो अबिलिटी है दे वी आर सपोज दैट दे आर द सेम ठीक है हम सपोज कर रहे हैं अबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट आर सेम देन सब्जेक्ट्स हैव इक्वल डिफिकल्टी है ऑल द सब्जेक्ट है इक्वल डिफिकल्टी स्टूडेंट्स ऑल स्टूडेंट हैव द इक्वल एबिलिटी नाउ वी हैव के स्टूडेंट्स एंड सब्जेक्ट डू नाट इंटरसेक्ट स्टूडेंट स्टूडेंट्स एंड subject do not intersect now जो question में जरा सी changing आ जाती है फॉर दिस वर्ल्ड की वजह से इंटरसेकट ठीक है हम कहते हैं कि सब्जेक्ट हैक्वल डिफिकल्टी है स्टूडेंट्स हैव इक्वल एबिलिटी है बट स्टूडेंट्स एंड सब्जेक्ट डू नॉट इंटरसेकट तो हमने यही पढ़ा है कि टू वे अनालिस जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा विद इंटरसेक्शन के लिहाज से तो उसका जनरल प्रोसीजर्स क्या है क्वेश्चन में आपको इस तरह की क्वेश्चन आपको खुलम खुलम मतलब क्लियरली आपको जो स्टेटमेंट है, है? है वो गिवन होती है जिससे आपको पता चल जाता है कि योर क्वेश्चन इज ऑल्सो रिलेट टू दिस वन ठीक है कि आपका जो क्वेश्चन है वो इससे रिलेट कर रहे हैं तो इसमें जो आप हाइपोथेसिस बनाओगे स्टूडेंट आपको पता है कि हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस जब भी बनते हैं हैं हमारे पास टू ही होते एक हमारे पास होता है नल हाइपोथेसिस एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है अब जब फर्स्ट ऑफ ऑल में आप बताओगे ना हम कहेंगे सब्जेक्ट्स हैव इक्वल डिफिकल्टी अब इसमें हम क्या बता रहे हैं सब्जेक्ट्स हैव इक्वल डिफिकल्टी यहां अल्टरनेटिव क्योंकि हमारे पास अगेंस्ट होते हैं हम कहेंगे सब्जेक्ट्स हैव नॉट इक्वल डिफिकल्टी इसी तरह सेकेंड वाले आप हाइपोथेसिस जब बनाओगे इसमें भी नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बट इसको हम शो कर रहे हैं विद डबल डॉटेड लाइन से ठीक है इसमें हम कह रहे हैं स्टूडेंट्स हैव इक्वल एबिलिटी यहाँ अल्टरनेटिव अगेंस्ट आ जाएगा स्टूडेंट्स डू नॉट हैव इक्वल एबिलिटी यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा एच नॉट एंड एच वन जो हमारे पास है थ्री से डिस्कस करेंगे जिसमें हम कहेंगे स्टूडेंट्स एंड सब्जेक्ट डू नॉट इंटरसेक्ट और यहाँ आ जाएगा इंटरसेक्ट तो ये हमारे पास थ्री हाइपोथेसिस बन जाएंगे फॉर द टू एनालिसिस ऑफ वेरिएंस विद इंटरसेक्शन के लिए देन सेकेंड स्टेप जो हमारे पास होता है वो हमने बताना होता है लेवल लेवल ऑफ़ सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ़ सिग्निफिकेंस स्टूडेंट अगर तो आपको गिवन है इन द क्वेश्चन इट्स अ गुड अगर गिवन नहीं है तो यू टेक 0.05 देन थर्ड हमारे पास आ जाती है टेस्ट स्टैटिस्टिक जिसमें हमने अपने फार्मूले को क्लियरली करना होता है कि हमारे पास कौन सा फार्मूला यूज होगा अब स्टूडेंट यहाँ जो हमारे पास एफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज होगी ना वो हमारे पास क्या है एस्टिमेटेड वेरियंस फ्रॉम बिटवीन सांपल या हमारे पास क्या आगे बिटवीन बिटवीन सम ऑफ स्क् यहाँ एर समयेर एरर सम ऑफ स्क्र यह हमारे पास यूज़ होगी एफ डिस्ट्रीब्यूशन जो कि हम टू वे एनालिसिस की प्रीवियस एग्जाम्पल में भी कर चुके हैं दैन नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है जी कंपटिशन हमारे पास क्या आ जाता है कंपिटिशंस दैन फिफ्थ स्टेप हमने करना होता है क्रिटिकल रीजन जो कि सिंपल हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम को देखते हुए अपने क्रिटिकल रीजन को फाइन करना होता है एंड लास्ट वन हमारे पास आ जाता है कंक्लूजन जिसमें हमने बताना होता है कि जो हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं इट्स फॉल्स इन द एक्सेप्टेंस रीजन और रिजेक्शन रीजन इफ़ इट लाइज इन द रिजेक्शन रीजन सो वी रिजेक्ट एच नॉट एंड इफ वी लाई इन द एक्सेप्टेंस रीजन सो वी एक्सेप्ट एच नॉट तो ये हमारे पास क्या आ जाता है कंक्लूजन आ जाता है अब इनशाला जब हम इसको uh, करेंगे डिस्कस आगे क्वेश्चन वाइज तो मैं आपको बताऊंगी कि इसको सॉल्व कैसे करने है, मैं एक से दो चीजें और ऐड करूंगी एक तो मैं इसका टेबल अलग से आपको डिस्कस करके बताती हूं और कंपटीशन ताकि जब आपको एग्जाम्पल कराई जाए तो आपको ईजिली समझ आ जाए आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा अगर फिर भी किसी किस्म की कि आपको कंफ्यूजन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं तब तक के लिए